नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने भौतिक विज्ञान से ऊष्मा नामक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेलवे, एसएससी, यूपीएफ, यूपीएससी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। इसके चार ऑप्शन हैं कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रचार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संबंधित होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक एमपी में क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों? रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर, अपने शरीर में पानी का संचय करके, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर ऊंट गर्मियों से राहत महसूस करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? इसके ऑप्शन है, अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, या गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 जूल, 4.2 गुण इंटू 10 का पावर 2 जूल, 4.2 गुण 10 का पावर 3 जूल, या 4.2 इंटू 10 का पावर 4 जूल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रा क्या है? केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केल्विन। ताप का एसआई मात्रा केल्विन है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केल्विन। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन है। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है, या पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, पंपिंग क्रिया को से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, या भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी कारण से शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, या अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, इसी कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतर उष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मा ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर उष्मीय ऊर्जा में होता है, या उष्मीय ऊर्जा का रूपांतर यांत्रिक ऊर्जा में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर उष्मीय ऊर्जा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, आप लोग देख लें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, W/Q = J। हमारा अगला प्रश्न है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुलनांक कहते हैं, इसका मान क्या होता है? 4146 जूल प्रति किलो कैलोरी, 4.186 जूल प्रति कैलोरी, 4.16 × 10⁷ अर्घ प्रति कैलोरी, या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? रम्फोर्ड, जूल, डेवी या सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेवी ने पिघला दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? डेवी ने, रम्फोर्ड ने, सेल्सियस ने, फारेनहाइट ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रम्फोर्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या परिवर्तित होती है? उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसकी चाल घट जाती है, या उसकी द्रव्यमान बढ़ जाता है, या भार बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसकी चाल घट जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किसी की वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, या उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या करती है? उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु में प्रवाहित होती है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होती होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या वह पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं का कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गणित ऊर्जा का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होती है? अणुओं की चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।